मंड क्षेत्र के किसानों की मंडी की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा मंड के किसानों के लिए ठाकुरद्वारा में FCI का गेहूं खरीद केंद्र खोला गया है। ठाकुरद्वारा में खोले गए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं खरीद केंद्र को अभी 7 दिन हुए हैं, जहां पर शनिवार शाम तक 2327 क्विंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस क्षेत्र के किसानों से खरीदी गई है। ये जानकारी भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक गुण नियंत्रण मनु शर्मा ने दी। उन्होंने इस मौके पर किसानों से आग्रह भी किया कि कोविड की महामारी को देखते हुए सरकार व खाद्य विभाग द्वारा रविवार को गेहूं खरीद केंद्र बंद रखा गया है, इसलिए किसान अपनी गेहूं की फसल को बेचने हेतु सोमवार को खरीद केंद्र ठाकुरद्वारा में आए। जब से ठाकुरद्वारा मंडी भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टार्ट की गई है, तब से लेकर आज तक भारतीय खाद्य निगम ने 2327 क्विंटल कणक गेहूं की खरीद कर ली है, वह आज भी ये खरीद जारी है। मेरा किसानों से अनुरोध है कि कल इतवार के दिन कोविड को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम व सरकार ने फैसला लिया है कि गेहूं खरीद केंद्र बंद रहेगा, तो कृपया वो सोमवार को आके अपनी गेहूं का यहां पे बेचने का कर सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल TV के लिए ठाकुरद्वारा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।